साथ निभाना साथिया में इस वक्त गहना और अनंत की कहानी, गहना अनंत की कहानी आप देख रहे हैं। लेकिन इस शो में कभी जान रहने वाले, इस शो के ओरिजिनल यानी कि पहले सीजन की बात करें तो शो में गोपी और अहम की कहानी, राशि जिगर की कहानी खूब थी फेमस, और इसके बाद मीरा और विद्या की कहानी भी हुई थी फेमस। और यहाँ पर आपको बता दें, आज हम आपके बीच इस खास प्रोग्राम में वही राशि, गोपी, अहम और जिगर की सच्चाई लेकर आए हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन वन के रियल लाइफ के कलाकार, और कैसे हुए हैं कुछ टीवी से दूर, किसी ने बटोरी विवादों में घिरकर पॉपुलैरिटी तो किसी ने निजी जिंदगी में खुद को पूरी तरह से सिमट कर रख लिया। सबसे ज्यादा रुचा हस्बनीज ने खुद को बदल कर रख दिया। तो आइए उनके बारे में भी जानते हैं और बाकी सितारों के बारे में भी जानते हैं हमारे खास प्रोग्राम में, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जिस तरह से बीते कुछ सालों में टीवी की दुनिया में देखा जाए तो कलाकारों की जिंदगी में काफी बदलाव आया। बॉलीवुड के कलाकार टीवी के फेमस रियलिटी शो लाइक डांस दीवाने में माधुरी दीक्षित, तो सुपर डांसर में शिल्पा शेट्टी, एबीसी में अमिताभ बच्चन, तो बिग बॉस में सलमान खान दिखाई देते होंगे। कोई जज तो कोई होस्ट तो कभी एंकर बनकर खुद को टीवी की दुनिया में लाता। ऐसे ही टीवी की दुनिया के भी कलाकार बॉलीवुड की तरह देख देख कर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मौनी रॉय से लेकर हीना खान अपनी करियर को आजमा रही हैं। अब इन सब के बीच देखा जाए तो बॉलीवुड में कभी किसी समय सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल हुआ करता था टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया, जिसमें लीड रोल प्ले करने वाली देखा जाए तो दो एक्ट्रेसेस थी। जी हाँ, देवोरीना भट्टाचार्य और साथ साथ में इसमें दिखाई देती थी देवोरीना के अलावा शो की लीड एक्ट्रेस रुचा हसनबीज। रिया मनिक ने काम किया था इससे पहले, मोहम्मद नाजीम करते थे काम, रूपल पटेल इस शो में थी लीड, वंदना विथलानी और विशाल सिंह थे लीड रोल प्ले करते, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती ही चली गई। अब टीवी के शो के ये कलाकार किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, किस हाल में रह रहे हैं तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पर देवोलीना तो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बिग बॉस के जरिए वो एक्टिव रहती ही हैं, ऑफसेट भी इनकी दोस्ती बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन देखा जाए तो कास्ट एंड क्रू जो टीवी के शो के ये सभी हैं, इन सब की ज़िंदगी बहुत अलग रह गई। रूपल पटेल ने दोबारा शो में वापसी भी की दूसरे शो में, लेकिन इसके अलावा बाकी कलाकार की बात करें तो बाकी कलाकारों की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। देवोलीना भट्टाचार्य ने टीवी शो में काम किया और वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव भी है। वंदना बतलानी फिर टीवी शो में नजर नहीं आई। वहीं अगर बात की जाए अगर रुचा हसनबीज की, तो शादी कर उन्होंने अपना घर बसा लिया। जी हाँ, शादी रचा कर घर बसा कर हमेशा के लिए दूर जाकर जिस तरह से रुचा ने टीवी की दुनिया को अलविदा कहा, ये देख कर लोग काफी चौंक गए। सबसे ज़्यादा अगर सदमा लगा फैंस को इस शो में अगर किसी के एग्जिट करने से, तो वो है रुचा हसनबीज, जो राशि बेन के किरदार में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस शो में गेन किया करती थी। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन सीरियल साथ निभाना साथिया की लीड एक्ट्रेसेस के बीच जितना ज़्यादा फेमस हुई है देवोलीना भट्टाचार्य, उतनी ही ज़्यादा टीवी टाउन से दूर हुई इस शो की लीड यानी कि रुचा हसनबीज। ऑफ सेट अगर देखेंगे आप तो रुचा हसनबीज टीवी के बाकी कलाकारों के साथ तो खूब मस्ती किया करती थी, लेकिन रुचा हसनबीज ने देखते ही देखते टीवी टाउन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और टीवी शो का अंत होने के बाद, टीवी टाउन से रुचा हसनबीज के दूर हो जाने के बाद, वो अपने हस्बैंड के साथ फिल्मों से दूर, इस लाइमलाइट से दूर अपनी ज़िंदगी गुजारने चली आई। शो का सीजन बढ़ता गया, शो में बदलाव आता चला गया। कहानी अहम और गोपी फेम यानी कि मोहम्मद नाजीम और साथ में देवोलीना के बच्चों की आगे बढ़ती चली गई, लेकिन इसमें रुचा को सबसे ज़्यादा मिस किया गया। ऑफ स्क्रीन अगर आप देख रहे हो तो रुचा हसनबीज कैसे नज़र आ रही हैं आपको दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे साथ निभाना साथिया के लीड रुचा हसनबीज रियल लाइफ में इस लाइमलाइट से दूर
एक बेटी की माँ बनने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं बेहतरीन तरीके से। एक बच्चे के जन्म के बाद रुचा हसनबीज जो हैं अपने पति के साथ बच्ची की फ़ोटो अक्सर शेयर करती रहती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने तमाम प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ शेयर की थी बेबी बम के साथ। और रुचा हसनबीज में जो ये बदलाव आया है, इस बदलाव को देख कर लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि रुचा को इस तरह से बदलते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन हाँ, रुचा हसनबीज को इस तरह से बदलते हुए देखकर भी फैंस काफ़ी खुश हुए, क्योंकि रुचा अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। बता दें हम आपको, रुचा को टीवी टाउन के शो में भी जब देखा जाता था तो वो इस किरदार में काफ़ी ढलती थी, राशि बहन के किरदार में। इसके अलावा रियल लाइफ में भी रुचा को अगर आप देख रहे हो तो रियल लाइफ में भी रुचा टीवी के कलाकारों से कई बार मिली, लेकिन अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ ड्रीमी लाइफ जीने वाली रुचा हसनबीज ने कई कपल फोटो शूट कराए। शादी के बाद वो एक ही शो के बाद जब हो गई हमेशा हमेशा के लिए टीवी टाउन से दूर, तो उनके शो से दूर होने के बाद लोग काफ़ी झटके में थे। सोशल मीडिया पर रुचा एक्टिव रहती हैं, लेकिन राशि के किरदार को आज भी लोग सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। तो दोस्तों, आप भी मिस करते ही होंगे राशि बहन को, लेकिन राशि कितनी फिट है देखिए ज़रा। राशि बहन यानी कि रुचा टीवी टाउन से दूर होने के बावजूद सबसे ज़्यादा फिट है। उनकी इसी फिटनेस की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है। क्यूटनेस से तहलका मचाने वाली रुचा का ये बदलाव लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है, और इनके इस बदलाव को लोगों ने बहुत पसंद किया। रियल लाइफ में भी जब वो दुल्हन बनी तो लोग ये देखते ही रह गए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बताते चले। इसके अलावा टीवी की दूसरी लीड राशि की जगह लेने वाली लवी शासन को देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव किया। आज देवोलीना अभी भी सिंगल हैं। सीरियल साथ निभाना साथिया की सीजन 2 में देवोलीना को, रूपल पटेल को और बाकी पुराने कलाकारों को कुछ टाइम के लिए आपने देखा होगा। इसके बाद इस शो में गहना और अनंत की कहानी पेश की जा रही है, जिसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है देवोलीना। देखते हैं कि सीरियल साथ निभाना साथिया में जिस तरह से देवोलीना को देखा गया था, क्या आने वाले समय में इस शो में अब राशि यानी कि रुचा भी दिखाई देंगी वापसी करते हुए, क्योंकि उनकी वापसी अब तक तय नहीं हो पाई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दोस्तों, आज के हमारे शो में हमने आपको सीरियल साथ निभाना साथिया के कलाकारों की कहानी सुनाई और उनकी निजी जिंदगी कैसे गुजर रही है ये भी हमने आपको बताया। अब यहीं पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। फिर लौटेंगे आपके बीच ऐसे ही फिल्मी दुनिया की कुछ और लेटेस्ट खबरें पेश करने के लिए हमारे इसी शो के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।